इसमें हम रॉ मटेरियल को डालते हैं और उसे मिक्स करते हैं। इसमें मेनली मक्का और चावल डालते हैं 50-50%, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर उसे मिक्स किया जाता है। ये चालू होने के बाद बहुत ही इजी प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मशीन। ये हमने माल डाला है, इसमें थोड़ा सा माल डाल रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, मटेरियल हमारा रेडी है। अब हम इसे कंटेनर में करके इसे प्रोडक्शन मशीन में डालेंगे। तो अब हम मटेरियल को अपनी फर्स्ट मशीन में डालेंगे। सो ये हमारा रिमोट पैनल है, इसमें हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम मशीन को कैसे रनिंग करना है बहुत इजीली है। यहाँ पे ग्रीन बटन है, इसे हमें प्रेस करना है, हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा कुरकुरे का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, बहुत इजी प्रोसेस है। ये सारे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगे हमारे। अब ये हमारा तीसरा प्रोसेस है, हमने हाफली बेक कुरकुरे को अब हम रोस्टर में डालेंगे। हमारे रोस्टर में बेक होके आ रहे हैं, अब ये रेडी हो चुके हैं हमारे। अभी आप इस फैक्ट्री में कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं? अभी हम इस फैक्ट्री में 12 से 15 प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें हमारा चाउमीन आ गया, चिप्स आ गया, फ्राइज आ गया, रिंग्स आ गया, पास्ता आ गया, चाउमीन, ये सारे प्रोडक्ट हैं। जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो इसकी मार्केटिंग कैसे की? स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हुआ, हमें पूरी मार्केट का रिसर्च करना था कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है। तो इसलिए हमने थोड़ा पहले मार्केटिंग के एक बंदा हायर किया, जिससे हमने मार्केट रिसर्च कराई कि क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या मार्केट में चल रहा है। देन उसके बाद हमने थोड़ी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह की रिसर्च कराई। फिर उसके बाद मेन तो हमारा प्रोडक्ट रहता है, उसकी क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अगर बेटर है तो लोग उसे तभी प्रीफर करेंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट पर। तो हमने मेनली क्वालिटी पर फोकस किया, फिर उसके बाद हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे?
मैं उनसे यही कहूँगा कि आप पहले क्वालिटी पे फोकस करें और उसकी मार्केट प्रॉपर करें। अगर आपको मार्केट से टाइम टू टाइम फीडबैक भी कलेक्ट करते रहें कि आपकी प्रोडक्ट को लाइक किया जा रहा है, कैसे किस टाइप का कंज्यूमर है, उस टाइप का सारी आप चीज़ें मेंटेन करके रखें। सर ये बताइए, इस प्लांट को आपने कहाँ से लिया था और कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अराउंड 6 लाख का हुआ है मुझे। जो मशीन मैंने परचेज की थी रॉयल फूड्स प्रोसेसिंग से नोएडा, और जो अलग से कॉस्टिंग है जैसे पैकेजिंग वगैरह मसाला वगैरह, वो कॉस्टिंग सेपरेट है। सेपरेट है तो सर जिस वजह से आइए कमाते जो दर्शक है आखिर तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्लांट से आप कितनी कमाई कर लेते हैं? अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया, स्टार्टिंग में अराउंड हमारी इनकम थी 50,000, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमने मार्केट को देखा उसके अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोडक्ट बनाए, तो अब जो मेरी अर्निंग होती है अराउंड 3 लाख से ऊपर ही हो जाती है। चलिए साथियों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, सर ने जहाँ से इस प्लांट को लिया था उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है।